अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका चैनल होस्ट अहमद रफ़ीक और आप सब लोगों को अपने चैनल अहमद टेक स्टूडियो को खुशामदीद कहता हूं। तो जनाब, आप देख सकते हैं आपके सामने एक और एचपी का पीसी का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। जनाब, डेस्कटॉप पीसी आपको नज़र आ ही रहा होगा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ी सी बोरिंग होती है क्योंकि यानी रिव्यू है और इसके अंदर कोई इंटरटेनमेंट का कुछ नहीं है, तो काइंड लेकिन पूरा देखिएगा। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। इसके अंदर मैं इस मॉडल का और HP 8000 का कंपैरिजन करूंगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी देख कर जाइएगा। तो चले आए, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि HP का PC है, डेस्कटॉप PC है, वो तो नज़र आ ही रहा है। जनाब, ये मॉडल है HP का 6000 और ये कोटुडू मॉडल है। ये 8000 के साथ का HP 8000 एक बहुत ही मशहूर मॉडल है। तकरीबन आपको पता होगा, आपसे आप में से बहुत से लोगों को ये उसी के साथ का मॉडल है और बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। मुझे समझ नहीं आती लोग HP 8000 को ज़्यादा प्रेफर करते हुए इसको क्यों नहीं प्रेफर करते। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको चलें फिज़िकली रिव्यू कर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो जनाब, सामने से देख सकते हैं बिल्कुल वैसी क्लासिकल सी HP की लुक है। इस तरफ चार USB स्लॉट्स हैं और यहाँ पर साउंड इनपुट आउटपुट है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीजन रूम है। लेकिन जो इसके अंदर एक इजाफी चीज़ है HP 6000 में, वो है ये आप तमाम तरह के यहाँ पर SD कार्ड्स वगैरह प्लग इन कर सकते हैं। यानी कि चाहे वो कैमरा के हों या फिर आपके मोबाइल के कार्ड्स हों या कोई भी चीज़ हो, वो यहाँ पर इस जगह पर आप प्लग इन कर सकते हैं। तो एक ये HP 8000 में ये वाला फीचर नहीं है, इसके अंदर है ये स्लॉट, ये अंदर यानी स्लॉट इसकी लग जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और पीछे से अब हम देख लेते हैं, वही पावर सप्लाई, यहाँ पर पावर सप्लाई का एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं USB इनपुट्स का एरिया, और यहाँ पर ये देख लें लाइन का एरिया है, यहाँ पर ये डिस्प्ले का एरिया, और यहाँ पर ये PS2 इनपुट आउटपुट, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि साउंड इनपुट आउटपुट के ऑप्शन हैं। और इसको अब हम खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या लगा। वही सिंपल सा है कि इसके लॉक को ऊपर की तरफ खींचें और हम जैसे इसको ऊपर की तरफ खींच लें। और जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही यानी नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर ये देखें, ये जनाब इसका कूलिंग फ़ैन है, यहाँ से एयर थ्रू होती है इस कूलिंग ये सिंक में से होती हुई नीचे इसके यानी प्रोसेसर को ठंडा रखती है। और यहाँ पर ये DDR3 फैमिली से बिलोंग करता है, 2 RAM लगी हुई है इसके अंदर, इस टाइम 4 RAM की यानी कम अज़ कम इसके अंदर गुंजाइश है। और यहाँ पर एक और चीज़ मदरबोर्ड में आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये एक अलग से एक और ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हार्ड ड्राइव लगाने के लिए। यानी एक अगर हम साटा डेटा केबल्स लगाने का ऑप्शन, बाकी तमाम सिस्टम में एक ही है, लेकिन इस मदरबोर्ड में 2 ऑप्शन दिए गए हैं ताकि आप मैक्सिमम हार्ड ड्राइव लगा सकें। हालांकि स्पेस नहीं है इसके अंदर, यानी आपको खोल के रखना पड़ेगा लगाने के लिए, लेकिन आप लगा ज़रूर सकते हैं। तो यानी बहुत ही ज़बरदस्त PC है। चले आएँ, इसको चला कर देखते हैं कि इसके अंदर इस टाइम क्या लगा हुआ है। चले आएँ। तो जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम केबल्स प्लग इन हो चुकी है। अब हम इसको बटन से ऑन कर लेते हैं, ये मैंने प्रेस कर दिया क्योंकि HP का PC है। तो हम F10 से BIOS सेटअप में जाएंगे, जस्ट ये थोड़ा सा वेट करना होगा। ये F10 मैंने प्रेस किया हुआ था, तो BIOS सेटअप में आ गए, इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फाइल के मेन्यू में सिस्टम इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं कि HP कॉम्पैक्ट 6000 प्रो SFF यानी स्मॉल फॉर्म फैक्टर नीचे आ जाएँ तो इंटेल कोटुडू CPU E8500। HP 8000 में नॉर्मली E8400 लगा हुआ है होता है, इसके अंदर HP 6000 में देखें ये E8500 लगा हुआ है, 3.1 GHz यानी 16, ये उससे बहुत ही, मेरे ख्याल में उससे बहुत ही बेहतर यानी CPU है, बस उसका नाम बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पर रैम देख लें, DDR3 फैमिली से बिलोंग करता है ये। जैसा कि आपको दिखाया था कि 2 RAM लगी हुई हैं, तो ये 1 GB की वो 2 RAM आ गई हैं। और जनाब, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त PC है ये, और पता नहीं क्यों इतना अंडररेटेड, इतना भी अंडररेटेड नहीं है, लेकिन 8000 के मुकाबले में थोड़ा सा अंडररेटेड है। मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है ये कोटुडू में, बहुत सबसे अच्छा PC कोटुडू में, यानी तमाम कंपनियों का HP को डेल वगैरह में और HP में भी अगर देखा जाए, मुझे ये अच्छा लगता है। तो जनाब, आज के लिए इतना ही। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। किसी भी आपको PC का रिव्यू चाहिए तो कमेंट्स में बता दें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।